इस वीडियो के अंदर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले जो 5 क्वेश्चंस हैं और जो इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का, वो हम कर चुके हैं इससे पहले वीडियो के अंदर। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं वहां जाके। तो देखिए क्या है हमारे पास 6 क्वेश्चन। ये इसके 2 पार्ट्स है जो हमें सोल्व करने हैं। क्वेश्चन मैं रीड कर देती हूँ। अ बैग कंटेन लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। एक बैग के अंदर किस फ्लेवर की कैंडी है? लेमन फ्लेवर की। मिलानी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इन टू द बैग। मिलानी ने क्या किया, बैग के अंदर से क्या निकालनी है? कैंडी निकालनी है। वट इज द प्रोबेबिलिटी डेट शी टेक आउट। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। किसकी प्रोबेबिलिटी? फर्स्ट है यहाँ पे जो पार्ट 6 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। अब देखिए सारी की सारी जो कैंडीज हैं वो किस फ्लेवर की हैं? लेमन फ्लेवर की है। सारी कैंडी बैग के अंदर किस फ्लेवर की है? लेमन फ्लेवर की है। तो जो ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी है, अगर ऑरेंज कलर की फ्लेवर की कैंडी उसके अंदर है ही नहीं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वो इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा, और इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? जीरो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट किसके इक्वल आ जाएगी? जीरो के इक्वल। क्यों आई है जीरो के इक्वल? क्योंकि बैग के अंदर ऑरेंज कलर, जो ऑरेंज फ्लेवर है उसकी कैंडी नहीं है। किस फ्लेवर की कैंडी है? ओनली लेमन फ्लेवर की कैंडी है। उसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें हमसे पूछा है अ लेमन फ्लेवर कैंडी। बैग के अंदर जब लेमन ही फ्लेवर की कैंडी है तो उसके अंदर से कोई भी कैंडी निकालिए आप, सारी की सारी क्या होगी? लेमन फ्लेवर ही होगी। तो यहाँ पे जो हमारा इवेंट होगा वो कैसा होगा? श्योर इवेंट। और श्योर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी? वन। कैसा इवेंट है? श्योर और सर्टेन। क्योंकि बैग के अंदर है ही कैंडी सारी लेमन फ्लेवर की, तो किसी भी कैंडी को निकालिए आप, हर एक का जो फ्लेवर है वो क्या होगा? लेमन ही होगा। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या बोला गया हमें। इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट का एक ग्रुप है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, सेम बर्थडे ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ये प्रोबेबिलिटी है इवेंट, और उसके ऊपर हमने क्या लगाया है? नोट। तो किसकी प्रोबेबिलिटी? सेम बर्थडे ना होने की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल है हमारी? यहाँ पे गिवन है हमें 0.992। इवेंट यहाँ पे क्या है? नोट हैविंग सेम बर्थडे, सेम बर्थडे, सेम बर्थडे ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है हमें? ये गिवन है हमें 0.992। तो यहाँ पे आप जो प्रोबेबिलिटी है ये आप लिख सकते हो नोट हैविंग द सेम बर्थडे। इसको नोट को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। हमसे इन्होंने पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे, सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे, सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये हमें फाइंड आउट करनी है। ये हमें गिवन है, आपको पता ही है जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट एन इवेंट इज इक्वल टू 1। यही फॉर्मूला यूज करना है हमें यहाँ पे। नोट एन इवेंट हमें गिवन है, हमें किसकी निकालनी है? इवेंट की निकालनी है, और इवेंट क्या है? हैविंग सेम बर्थडे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट किसके इक्वल आ जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट एन इवेंट, 1 माइनस, 1 में से क्या माइनस करना हमें? 0.992 कर दीजिए, 1.000 उसके बाद 0.992। तो यहाँ पे हम कैरी लेंगे तो 10 में से 8 माइनस करेंगे, सॉरी 2 माइनस करेंगे 8, 9 में से 9 माइनस किया क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे? 0, 9 में से 9 माइनस किया 0, तो ये आ गया हमारे पास आंसर 0.008। ये किसकी प्रोबेबिलिटी है? हमारे सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है क्वेश्चन। अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल, बैग के अंदर रेड बॉल कितनी है? 3 है। रेड बॉल्स, नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितने हैं हमारे पास यहाँ पे? 3। उसके बाद है इन्होंने बोला है बैग के अंदर 5 हैं ब्लैक बॉल, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितने हैं? 5। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो गई हमारे पास यहाँ पे? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 3 रेड है और 5 ब्लैक है, तो टोटल कितने हो गई हमारे पास यहाँ पे? 8। अब देखो हमें निकालना क्या है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? अब बॉल इज ड्रोन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, बॉल को बैग से निकाल लिया गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट बॉल इज ड्रोन इज रेड, रेड कलर की बॉल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें? रेड कलर की, रेड कलर की जो बॉल होगी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब देखिए आपके पास टोटल कितनी बॉल है? रेड बॉल 3 है,
और जो रेड बॉल के नंबर कितने हैं 3, और जो टोटल नंबर ऑफ बॉल जो रेड और ब्लैक को मिला के है वो कितना है 8 है। तो जो रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी हमारे पास 3/8। अब इसको आप पहले फॉर्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, एग्जाम में आपको इसी तरह से लिखना है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स रेड कलर के लिए कितनी है 3 है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स का मतलब टोटल बॉल्स कितनी है हमारे यहाँ पे बैग के अंदर 8 है, तो 3/8। दूसरा हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग रेड कलर, जो बॉल की रेड कलर ना होने की प्रोबेबिलिटी वो कितनी होगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी नॉट रेड इन कलर, तो वो कितनी होगी, सेम फॉर्मूला लिखा जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब देखिए रेड कलर नहीं है तो कौन सा कलर होगा बॉल का, कैसा होगा, ब्लैक होगा, और ब्लैक के नंबर कितने हैं 5, और टोटल आउटकम्स कितनी है हमारी 8, तो नॉट रेड कलर की जो प्रोबेबिलिटी होगी हमारी बॉल्स की वो कितनी होगी यहाँ से 5/8, कितनी होगी 5/8। या फिर इसको आप एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड कलर इज इक्वल टू 1, और रेड कलर की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई हमारे पास 3/8। इसको हम इस साइड शिफ्ट कर देंगे, ये आ जाएगा आपका माइनस इज इक्वल टू, ये आपको, या फिर इसको इस तरह से कर लीजिए, यहाँ पे जो निकालना है उसको लेफ्ट साइड रखे, बाकी को राइट साइड लेके जाइए। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड कलर इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी रेड कलर की कितनी है 3/8, सोल्व कर दीजिए इसको, एलसीएम 8 आ जाएगा, 8 माइनस 8 को 8 से डिवाइड किया 1, 3 से मल्टीप्लाई किया 3, तो 5/8। इस तरह से सोल्व कीजिए आप, या इस तरह से सोल्व कीजिए, आपकी मर्जी है। ये हमने फॉर्मूला लगा के सोल्व किया है, और यहाँ पे हमने ये नंबर चेक किए, उसके बाद हमने ये सोल्यूशन किया है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ तक भी सोल्व कर सकते हो, या फिर ये आगे वाला पोर्शन भी आप अलग से दिखा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है क्वेश्चन। अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स, 8 वाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। तो बॉक्स के अंदर किन 3 कलर के मार्बल हैं, रेड कलर के मार्बल हैं, रेड कलर के कितने मार्बल हैं 5 मार्बल हैं। दूसरा बॉक्स के अंदर वाइट कलर के मार्बल हैं, वाइट कलर के कितने मार्बल हैं 8 मार्बल हैं। उसके बाद तीसरा है ग्रीन कलर के मार्बल है, तो ग्रीन कलर के जो मार्बल हैं उनके नंबर कितने हैं 4 है। जो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स है वो कितना आ जाएगा हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगी हमारी, ये होगा 5 + 8 + 4, ये कितना आ जाएगा आपके पास 12 + 5 आ जाएगा आपके पास 17। जो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स हैं, जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हम प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए यूज करेंगे वो कितना है 17 है। अब देखिए आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फर्स्ट आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर, जो रेड कलर के प्रोबेबिलिटी होगी मार्बल की वो कितनी होगी। दूसरा हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट कलर। तीसरा हमें निकालनी है, थर्ड जो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, ग्रीन ना होने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो कीजिए, रेड कलर की जो मार्बल है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे रेड कलर के कितने मार्बल है 5, तो जो फेवरेबल आउटकम्स है वो कितनी है 5, और जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है वो कितनी है 17, 5/17। दूसरा आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट कलर, वाइट कलर के मार्बल देखिए कितने हैं 8, और टोटल मार्बल कितने हैं 17, तो ये आ गया आपके पास 8/17। तीसरा आपको निकालने हैं प्रोबेबिलिटी नॉट ग्रीन कलर, ग्रीन कलर के जो मार्बल नहीं है। अब देखिए ग्रीन कलर के 4 हैं, जो नहीं है, एक तो रेड कलर के हैं और एक दूसरे क्या है वाइट कलर के, जो ग्रीन कलर से अलग है। तो वाइट कलर के कितने हैं 8 है, और रेड कलर के कितने हैं 5 है, तो जो ग्रीन नहीं है उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 8 + 5 = 13, और टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं 17। देखिए अगर ग्रीन पूछते तो हम 4/17 लिख देते हैं, लेकिन उन्होंने पूछा जो ग्रीन ना हो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी ग्रीन ना हो, तो वो कौन से कलर के होंगे, रेड और वाइट कलर के होंगे, दोनों के नंबर हम ऐड कर देंगे 13 आ जाएगा, और टोटल आउटकम्स कितनी है हमारी यहाँ पे 17। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, अ पिगी बैंक कंटेन 150 पैसा कॉइन्स, 50 1 रुपीज कॉइन, 20 2 रुपीज कॉइन, 10 5
5 कॉइन्स। तो इसमें हमें क्या दिया गया है, हमें नंबर ऑफ कॉइन्स बताए गए हैं कि 50 पैसे के कितने कॉइन हैं, 1 रुपए के कितने कॉइन हैं, 2 रुपए के कितने कॉइन हैं, 5 रुपीस के कितने कॉइन्स हैं। तो उसके बाद उन्होंने बोला है, इफ इट इज लाइकली इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी 50 पैसा नोट विल नॉट बी 5 रुपीज कॉइन। तो 50 पैसा होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और 5 रुपए ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हमें ये दो प्रोबेबिलिटी निकालनी है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कितने पैसे हैं और कितने उसके नंबर हैं। नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, जो 50 पैसे के जो कॉइन्स हैं उनके कितने नंबर हैं टोटल, यहाँ पे हमें गिवन है 100। नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन, 1 रुपीज के कितने कॉइन हैं 50। नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स, 2 रुपीज कॉइन्स के नंबर है यहाँ पे 20। उसके बाद है नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन, 5 रुपीज कॉइन के नंबर गिवन है हमें 10। अब हम यहाँ से निकाल लेंगे टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, चाहे उसमें 50 पैसे हों, 1, 2 और 5, सभी के जो नंबर है कॉइन्स के उन नंबर्स को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स किसके इक्वल होगा, 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 150, 170 और 180। तो ये आ गए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। अब हमें देखो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, फर्स्ट पार्ट इसमें गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे के जो कॉइन होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब देखिए 50 पैसे के कितने कॉइन है, चेकिए ये है हमारे पास 50 पैसे और इसके नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं 100, और जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है वो कितने हैं हमारे पास 180। इसमें आपको पूरा लिखना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 100 है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपकी कितनी है 180 है। तो ये आ गई आपकी प्रोबेबिलिटी 50 पैसे कॉइन्स की। दूसरा आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है आपकी, विल नॉट बी 5 रुपीज कॉइन, विल नॉट बी 5 रुपीज कॉइन, 5 रुपीज कॉइन ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब देखिए 5 रुपीज के जो कितने कॉइन हैं हमारे पास, यहाँ पे 10 कॉइन है, इसके अलावा जितने भी कॉइन बचे हैं हमारे पास 50 पैसे के हैं या 1 रुपीज के या 2 रुपीज के हैं, उन सभी को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें 50 रुपीज के जो कॉइन है उनकी प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी है, उसको छोड़ना है, बाकी सभी को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। अगर इन तीनों को ऐड किया जाएगा तो कितना आ जाएगा 170 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं 180। तो इसको आप कैंसिल करना चाहे जीरो को जीरो से कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 10/18 और यहाँ पे आप लिख देंगे 17/18। ये आपका सॉल्यूशन।